गाइस ये मैं हूँ, ये हमारा वाटरफॉल है और यहाँ पहाड़ी हो रही है। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस आज है स्पेशल डे। किस लिए पूजा बता दो यार। आज है हैप्पी बर्थडे। जी हाँ गाइस, गाइस आज मेरा बर्थडे है। तो हम आए हुए हैं कांगड़ा की बो वैली में और फिर हमने सोचा क्यों ना बर्थडे मनाया जाए इस बार नेचर में, पहाड़ों में। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल वाटरफॉल देखने के लिए। The second highest waterfall of Himachal। जब तुम आते हो सामने, जब तुम आते हो कहने से। तो जो हमारी डेस्टिनेशन है वो 600 मीटर्स की मतलब दूरी पे है और यहाँ पे जो पीछे बोर्ड दिखा है कि स्वर्ग माता जो स्वर्गद्वारी जो देवी मंदिर है वो 8 किलोमीटर दूर है। तो गाइस मज़ा आ गया, एकदम चिल्ड है, जैसे लग रहा है मतलब कि कितनी ज़्यादा बर्फ डाल। हमारे सामने नजर आ रहा है वही के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और ये देखो वाटरफॉल हमें साफ नजर आते हुए अभी आधा दिख रहा है, पूरा आपको नजदीक से जाके दिखाएंगे। गाइस तो हम लोग पहुँच गए हैं और काफी मजा आ रहा है गाइस, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता आपको कि कितना मजा आ रहा है। और सामने इतना विशाल झरना हमारे, और ये जो चट्टानों में पानी का जो मतलब झरना गिर रहा है और अद्भुत गाइस, इतनी मतलब तेज इसकी आवाज़ है। और ये मंदिर हाथ पैर धोने के बाद अब हम सीधे आ रहे हैं खबरू महादेव भोले बाबा के दर्शन करने और इनसे थोड़ा आशीर्वाद ले लेते हैं। तो गाइस हमने बहुत अच्छे दर्शन कर लिए हैं और काफ़ी अच्छा पीस ऑफ माइंड और एकदम फ्रेश वातावरण से मज़ा आ गया। और दोनों ये मालती और पूजा शिवजी जी की भक्तनी काफ़ी देर पूजा वगैरह करने के बाद अब गाइस नहाने का मन तो है नहीं और काफ़ी ठंडा पानी है, बट ये कि जो इसकी जो छींटे हैं गाइस दूर दूर तक आ रहे हैं और जो चिल जो माहौल है ना मज़ा आ रहा है। तो अब काफ़ी भूख भी लगने लगी है तो हम कुछ खाएँगे भी। अब मैं केक कट करूंगा, केक काटेंगे ना पहले केक कट होगा, पहले खाने लग गई है गाइस। ये भूख देखो पहले लग गई है वो, मैंने गाइस मैंने बोला था ना वो पानी पीने से बहुत ज़्यादा भूख लगती है। यार केक तो कट हो जाए यार, ये बात तो गलत है गाइस, मतलब ये आगे पार्टी में पहले ही खाने लग गए। तो अभी हमारा केक लग चुका है। तो गाइस केक खाने के बाद देसी केक खाने के बाद अब तब खा रहे हैं केक
और अब हम खाना भी लेके आए थे। और गाइस तो गाइस पार्टी हो रही है और अब गाइस खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, काफ़ी हमने ट्रैक किया है। और गाइस ये वाला आनंद कहीं मिलेगा गाइस, बताओ। तो अब आ गई हमारी पहाड़ों वाली मैगी, अरे वाह गाइस। वैसे तो हमारा क्या बोलते हैं पेट भर गया था क्योंकि हम लोग सब अरेंजमेंट करके आए थे, बट गाइस पहाड़ों में आए और मैगी ना हो, गर्मा गर्म मैगी, ठंडा ठंडा पानी, गर्म गर्म मैगी और ये चिल्ड वाटरफॉल गाइस। चलो गाइस मैगी टेस्ट करते हैं हम। गाइस मज़ा आ गया गाइस, पेट भर के खा लिया, बर्थडे मना लिया। और गाइस केक कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। और गाइस ये हैप्पी पूजा व्लॉग्स को गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइस ये हमारा न्यू चैनल है और गाइस प्लीज़ यार इसको तो उठा दो यार, इतना बढ़िया आपको मैंने व्लॉग दिखाया है। हमने काफ़ी फन कर लिया, डांस कर लिया, एंजॉय कर लिया और खबरू का वाटरफॉल में गाइस मज़ा आ गया गाइस, चिल कर लिया हमने और गाइस बर्थडे एंजॉय कर लिया। गाइस मैंने अभी यहाँ पे भैया हैं जिनसे हमने मैगी खाई, तो उन्होंने यहाँ का भी इतिहास बताया। तो गाइस ये भी गाइस महाभारत से जुड़ा हुआ इतिहास है और पांडवों ने गाइस ये बनाया था जब वो हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पे द्रौपदी को नहाने के लिए, एक बार जब उनको नहाना था तो स्पेशली द्रौपदी को नहाने के लिए उन्होंने ये वाटरफॉल बनाया था। और उन्होंने भी एक दिन यहाँ पे जब सुबह मॉर्निंग में पांडव भी नहा के फिर वो आगे अपनी यात्रा की ओर निकल गए थे। गाइस टाइम हो रहा है 9 और मालती ने कुछ गाइस सेलिब्रेशन कर रखा है बर्थडे का, तो हम लोग काफ़ी थक गए हैं। अब देखते हैं, मैंने भी चेंज कर लिया है और क्या है बर्थडे का सेलिब्रेशन। तो गाइस देखते हैं बर्थडे कैसे, मतलब ट्रेडिशनल देसी वे में कैसे बर्थडे मनाते हैं हम लोग। तो मैं देखता हूँ क्या इन्होंने मतलब सरप्राइज़ कर रखा है, लेट्स सी। ये मैम गाइस इस तरह का बर्थडे मैं पहली बार सेलिब्रेट कर रहा हूँ देवियों के। वो भी आशीर्वाद दे ना, नहीं आशीर्वाद दे, बर्थडे आज बर्थडे में देना होता आशीर्वाद है, बोलो आयुष्मान भव। हो गया बस बस नेक्स्ट नेक्स्ट। आपका क्या नाम है? देवी यही है। अच्छा अभी तो देवी है। हाँ बिल्कुल, वैसे तो छोटी साली है। बस बस हो गया, बस बस आशीर्वाद तो कोई दे नहीं रही मेरे को। अभी अभी वो करेंगे ना आप, वो भी तो करोगे जब पहुंचोगे तो ले लेना। अच्छा अच्छा आशीर्वाद मिल गया गाइस, ठीक है यही। यहाँ पे मालती केक का भी मालती ने पूरा इंतजाम कर रखा है, थैंक्स टू मालती।